आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण। तो पहले हम जान लेते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का अर्थ यह है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले या जीवों के चारों ओर के पाए जाने वाली परिस्थितियां, परिवेश जो जीवन को किसी भी प्रकार से प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये कहलाता है पर्यावरण। या हमारे आसपास के परिवेश को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, या फिर उसको चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, है ना। तो ये पर्यावरण का अर्थ हुआ। पर्यावरण जो है दो घटकों से मिलकर के बना होता है, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक जिसके अंतर्गत जीव जंतु और पौधे आते हैं, अजैव घटक के अंतर्गत मृदा, जल और वायु, जलवायु, प्रकाश, तापमान इत्यादि जो है अजैव घटक कहलाते हैं। तो पर्यावरण जैव घटक और अजैव घटक से मिलकर के बना होता है तथा ये पारस्परिक क्रिया के द्वारा एक दूसरे के प्रभाव को कम या ज़्यादा करते रहते वातावरण में। तो ये पारस्परिक क्रिया के कारण ही एक दूसरे के प्रभाव को कम या ज़्यादा करते हैं। वो तो पर्यावरण के घटकों में, जैव घटकों में जैसे मृदा, जल, वायु एवं प्रकाश, जलवायु में सतत परिवर्तन होते रहते हैं मानव के क्रियाकलाप या प्राकृतिक कारणों से। प्राकृतिक कारणों जैसे भूकंप आ जाना, तूफान आना, ज्वालामुखी का उद्गार होना, घटना जिससे वायुमंडल जो है, पर्यावरण जो है प्रभावित होता है, और इस प्रकार से प्राकृतिक कारण हो गए। दूसरा मानवजन्य क्रियाकलाप, तो हम जो है अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, विभिन्न प्रकार से प्रदूषित करते हैं। तो ये इन कारणों से जो है पर्यावरण जो है प्रदूषित होते रहते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को, जैव घटक और अजैव घटक जो है पारस्परिक क्रिया से एक दूसरे के प्रभाव को कम या ज़्यादा करते हैं। तो ये जिससे पर्यावरण सतत या निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। तो यह परिवर्तन जो है वांछित या अवांछित होते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ जो है हानिकारक होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए। तो अवांछित परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, जो मृदा, जल, वायु में होते हैं, ठीक है। तो ये पर्यावरण का अर्थ हो गया, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब प्रदूषण, तो प्रदूषण जो है प्रदूषण क्या है, अजैव या जैव घटक में होने वाले अवांछित परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। तो प्रदूषण के प्रकार हम पढ़ेंगे, प्रकार में वायु प्रदूषण, दूसरा मृदा प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण और चौथा होता है ध्वनि प्रदूषण। इन प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार यह हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और इसके क्या रोकथाम के उपाय हैं, किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में कि वायु प्रदूषण क्या है। वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण रहता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण के कारण यह गैस वायुमंडल में एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है, परंतु किन्हीं कारणों वजह से,
लेकिन वायु चूहे निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं और यह अपने निश्चित अनुपात को प्राकृतिक रूप से बनाए रखने की व्यवस्था होती है, परंतु किन्हीं कारणों से इसके अनुपात में परिवर्तन होता है। वांछित परिवर्तन होने से ही वायु प्रदूषित हो जाती है। जैसे वांछित परिवर्तन होने पर वायु के जैविक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। अवांछित परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। तो वायुमंडल में वायु का विभिन्न संगठन होता है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है। नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.233%, और अन्य गैसें होती हैं वो जो है 2% होते हैं। वायुमंडल में गैसों का संगठन है। इसके अलावा ऑक्सीजन पाया जाता है, जो हमारे प्राण वायु कहलाते हैं ना। 21% ऑक्सीजन होते, बहुत सारे जीव जो है ऑक्सीजन श्वसन करते हैं जो वातावरण में विद्यमान होते। कुछ ही जंतु होते हैं या जीवाणु होते हैं जो अनॉक्सीजन श्वसन करते हैं। अनॉक्सीजन श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करना। अब देखते हैं इसके वायु प्रदूषण के कारण। किन किन कारणों से वायु प्रदूषण होता है? कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं और कुछ जो है मानव क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न कारणों से होते हैं। तो जैसे कारण में पहला, जीवाश्म ईंधनों के दहन से, कोयला या पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि जो उत्सर्जित गैसें होती हैं, उससे वायुमंडल की गैसें जो है विषैली हो जाती है। इस प्रकार से वायु प्रदूषित हो जाती है। दूसरा, कारखानों में होने वाली जो ज्वलन क्रिया होती है, जो दहन क्रिया होती है, उससे उत्सर्जित गैसों से भी वायुमंडल प्रभावित होती है। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के द्वारा जो है विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, कोयले के द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं, जिससे कोयले से उत्पन्न कालिख या फ्लाई ऐश बोलते हैं, जो राख के समान धूल कण होते हैं, वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, जिससे हमारा वायु जो है प्रभावित होता है। परमाणु परीक्षण से उत्पन्न रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ, जो परमाणु परीक्षण करते हैं उससे रेडियोधर्मी कण जो उत्पन्न होते हैं, उससे भी जो है वायु प्रदूषित होते हैं। कुछ हमारे जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज उपयोग करते हैं, उसमें एक गैस उपयोग किया जाता है CFC, जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। इसके उत्सर्जित होने से भी ओजोन परत जो है कैसा होता है, क्षय होता है। तो ये भी वायुमंडल को प्रभावित करते हैं, वायु को प्रभावित करते हैं। कुछ विलायकों के प्रयोग से, जैसे हम पेंट वार्निश इत्यादि का प्रयोग करते हैं, या वाष्प प्रयोगशाला में कई ऐसे वाष्पशील विलायक हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं, जिससे वाष्प जो है बनता है ना। तो वो वाष्प कहाँ प्रभावित करते हैं? वायुमंडल के वायुओं को प्रभावित करते हैं, इससे भी वायु प्रदूषित होते हैं। स्वचालित वाहनों से, आज के युग में अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाई जाती है, ठीक है, जिनसे ईंधनों के इनसे निकलने वाली जो उत्सर्जित विषैली गैसें हैं वो वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ये गैसें बहुत ही हानिकारक होते हैं, जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण, अब इसके रोकथाम एवं नियंत्रण। चूंकि वायु प्रदूषण कुछ प्राकृतिक कारणों से भी होता है और कुछ जो है मानव जन्य
क्रियाकलाप से। तो वायु को प्रदूषित होने से रोकने के लिए मानव का कर्तव्य है कि वो कुछ ऐसे क्रियाकलाप ना करे जिससे कि वायु प्रदूषित हो। तो इसको रोकथाम या नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जैसे कारखानों की चिमनियों से धुएं निकलते हैं तो उन कारखानों की चिमनियों को ऊंचा बनाना चाहिए, है? कारखानों को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए, जहाँ पर आबादी है, शहरीकरण है, वहाँ से दूर हटा के कारखानों को स्थापित करना चाहिए। अधिक धुआं उत्पन्न करने वाले ईंधनों का प्रयोग जो है कम करना चाहिए। आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से जो धुएं रहित ईंधन होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। वनों की कटाई पर प्रतिबंध, क्योंकि वनों की कटाई, अंधाधुंध कटाई हो रही है, इससे भी हमारे वायु प्रदूषित हो रहे हैं, तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। इसके साथ ही वृक्षारोपण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ठीक है। घरों के समीप भी हम वृक्षारोपण कर सकते हैं जिससे हमारे आसपास के वातावरण या वायुमंडल जो है प्रभावित ना हो और स्वच्छ रहे। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले जो गैस होते हैं CFC गैस, है ना, उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इन कारणों से क्या होता है, वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण किया जाता है जिससे हमारे पर्यावरण स्वच्छ रहे। तो ये हो गया वायु प्रदूषण के बारे में। दूसरा हम देखते हैं दूसरा हमारा है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के अंतर्गत जीवधारियों के लिए मृदा जो है एक प्राकृतिक आवास होता है। जैसे सभी जीवधारी कहाँ पर आवास करते हैं, भूमि पर, है ना, और भूमि में क्या क्या पाया जाता है, मृदा। तो जीवधारियों के लिए मृदा प्राकृतिक आवास होता है। जीवों को मृदा से खनिज तेल और जल प्राप्त होता है, ना, खनिज पदार्थ या जल प्राप्त होता है। तो मृदा जमीन की ऊपरी परत है, ठीक है, मिट्टी मृदा और जमीन की ऊपरी परत है जिसमें क्या पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, जल पाया जाता है और जिसमें हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं। तो ये कहलाते हैं मृदा, पेड़ पौधे उगा सकते हैं। तो पौधों के माध्यम से ही जंतुओं को पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे हम मृदा में क्या लगाते हैं, फसल लगाते हैं, है ना, उस फसल को हम क्या करते हैं, पोषक पदार्थ के रूप में लेते हैं। तो हम किस पर निर्भर हैं, फसलों पर, ठीक है, पौधों पर निर्भर है। और पौधे कहाँ उगते हैं, मृदा पर। तो इस प्रकार से पौधों के माध्यम से ही जंतुओं को पोषण मिलता है। तो बढ़ती हुई आबादी के लिए, अतिशय जनसंख्या की आवश्यकता के लिए या पोषण आवश्यकता के लिए कृषक क्या करते हैं, अधिक पैदावार के लिए, फसलों के अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक या कवकनाशक का वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, ताकि कीट व कवकनाशक को खत्म कर सकते और अधिक पैदावार ले सके। तो जिनके कारण क्या होता है, मृदा में कवकनाशक या कीटनाशक का प्रयोग करने से मृदा की उर्वरक क्षमता जो है घट जाती है, उर्वरक क्षमता घटने के कारण क्या होता है, पैदावार कम हो जाती है और मृदा जो है विकृत हो जाता है। तो मृदा के विकृत होने की संरचना को ही क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण, ठीक है। अधिक कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा जो है उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, मृदा जो है विकृत हो जाती है, इसी विकृति को कहा जाता है मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण और कीटनाशक कवकनाशक जो मृदा में उपयोग किया जाता है वो धीरे से फसलों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं इसके कारण, मृदा प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या क्या कारण होंगे, पहला ये कि ठोस कचरे के कारण मृदा प्रदूषण होती है। ठोस कचरे क्या कहलाते हैं, प्लास्टिक, रबर, कागज, है ना, पॉलीथीन इत्यादि जो है ठोस कचरे कहलाते हैं। इनके कारण मृदा प्रदूषित होते हैं, इनको मानव क्या कर देते हैं, भूमि में सीधे ले जा करके फेंक देते हैं। दूसरा मनुष्य तथा जीव जंतुओं के मल मूत्र का उचित निपटारण नहीं करने पर, खुले में करने पर ये से भी मृदा प्रदूषित हो जाती है।
घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्टों के कारण हमारे घरों में बहुत सारे कचड़े निकलते हैं या अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिनको हम ले जाकर सीधा क्या कर देते हैं, मृदा में डाल देते हैं। इससे भी मृदा प्रदूषित होती है। कोयले तथा खनिज एवं धातु कर्म से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ या उन पदार्थों को भी इस प्रकार से भूमि में फेंक देने से मृदा प्रदूषित हो जाती है। उर्वरक या कीटनाशकों को अधिक से अधिक प्रयोग के कारण भी उर्वरक क्षमता घट जाती है और मृदा जो है प्रदूषित हो जाती है। नाभिकीय विस्फोट, जब नाभिकीय विस्फोट किया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जिनको भूमि पर फेंक दिया जाता है, तो इससे भी मृदा प्रदूषित होती है। कुछ अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा के घटक के कारण जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ना ये बना लेते हैं, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये जो वातावरण प्रभावित है और वर्षा के साथ गिर करके अम्लीय वर्षा बनाते हैं जिससे मृदा की अम्लीयता घट जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है, ये इनके कारण थे। दूसरा इसके रोकथाम व नियंत्रण, रोकथाम व नियंत्रण, तो मृदा को हम प्रदूषण होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उपाय, तो पहला तो ये जितने भी ठोस कचड़े होते हैं उनको क्या करना चाहिए, पुनः चक्रण करके उपयोगी पदार्थ में बदल देना चाहिए। जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, कागज़ है, इनका पुनः चक्रण होता है, तो एक जगह इकट्ठा करके इसको क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रण करके उपयोगी पदार्थ में बदल सकते हैं। मनुष्य तथा जीव जंतुओं के मल मूत्र का उचित निपटारण करना चाहिए। तीसरा, ठोस अपशिष्ट पदार्थ से, ठोस अपशिष्ट पदार्थ हमारे जैसे कागज हो गए, प्लास्टिक हो गए, इनको गड्ढों की भराई करना चाहिए, ठीक है, उन पदार्थों से गड्ढों की भराई करना चाहिए। उसी प्रकार से जो प्लास्टिक आते हैं उसको कोल तार में मिला करके सड़क बनाने में उपयोग कर सकते हैं, तो इस प्रकार से उस कचड़े का भी क्या हो जाएगा, समुचित उपाय हो जाएगा, ठीक है, और मृदा प्रदूषण से बच जाएगा। उर्वरक कीटनाशक या कवक नाशकों का कम से कम प्रयोग करने से भी मृदा प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। पांचवा, उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना, ये भी मृदा प्रदूषण से बचाया जा सकता है। अगला, फसल चक्र अपना करके, खेतों में फसल चक्र अपना एक के बाद दूसरे फसल चक्र अपना करके भूमि की उर्वरकता क्षमता को बनाए रखे जा सकते हैं। तीसरा, प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने से, प्लास्टिक थैलियाँ होती हैं आजकल उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उस पर प्रतिबंध लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, मृदा को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। खेतों के किनारे वृक्षारोपण करने से भी क्या हो जाएगा, मृदा प्रदूषण होने से बच जाएंगे। तो ये था हमारा वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और उसके कारण, रोकथाम और नियंत्रण। मृदा प्रदूषण के बाद जो है तीसरा जो जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो जल मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है ना, जल के बिना कहते हैं जीवन जो है संभव नहीं है, ठीक है, यह मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक या मुख्यतः है, साथ ही साथ कृषि एवं उद्योगों के लिए भी क्या होता है, आवश्यक है, ठीक है। तो उपलब्धता के आधार पर जो पृथ्वी में 75% जल पाए जाते हैं, तो उपलब्धता के आधार पर उसकी खपत अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि हम उस जल का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, है ना, अधिक से अधिक उसका दोहन करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो इस प्रकार से जल की जितनी उपलब्धता है उससे ज़्यादा उसकी क्या है, खपत है। तो यही कारण है कि भूमिगत जल का स्तर आज कैसा हो रहा है, गिरते जा रहे हैं, ठीक है। गर्मियों के दिनों में हमको क्या नहीं मिलता है, आसानी से पानी उपलब्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम उस जल का दुरुपयोग करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जल स्तर जो है बहुत गिरा हुआ है, ठीक है, तो जल के
पीने योग्य जल जो है पारदर्शी रंगहीन स्वादयुक्त होता है, ठीक है, जो पीने युक्त होते हैं, तो ये पर्याप्त मात्रा में इसमें ऑक्सीजन घुली रहती है, ठीक है। तो इन्हीं जल में यदि किन्हीं कारणों से प्रदूषित हो जाए तो ये जल के अवांछित परिवर्तन से, जल के गुणों में जैविक रासायनिक अवांछित परिवर्तन से जल जो है प्रदूषित हो जाता है और जल जो है पीने योग्य नहीं रहता है। तो इस प्रकार के प्रदूषित जल को क्या कहते हैं हम, प्रदूषित जल, ठीक है। अब प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं जल प्रदूषण के, घरेलू अपमार्जक और वाहित मल। तो घरेलू अपमार्जक के रूप में जैसे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए इत्यादि के लिए हम क्या करते हैं, अपमार्जक का उपयोग करते हैं। वो अपमार्जक सीधे नालियों के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, नदी तालाबों या जल स्रोतों में मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है जल वहाँ के प्रदूषित हो जाते हैं। इसके साथ वहाँ पर उपस्थित जितने जीव जंतु होते हैं, जलीय जीव जंतु, वो भी क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं, है ना, श्वसन क्रिया करने में अक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से घरेलू उपमार्जक से जल प्रदूषित होती है। दूसरा वाहित मल, वो वाहित मल छोटी बड़ी वाहित मल जो है छोटी बड़ी नालियों से होकर के कहाँ जाते हैं, जल के भंडारों में, जैसे समुद्र में मिला दिया जाता है ना, तो समुद्र के जल जो है कैसे हो जाते हैं, या भंडारों के जल जो है प्रभावित होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये अपमार्जक व वाहित मल से होने वाले जल प्रदूषण। दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, कारखानों में शीतलक के रूप में जल का उपयोग करते हैं और शीतलक के रूप में जल का उपयोग करने के बाद ये जल जो है बेकार हो जाता है और इस जल का कहाँ पर स्रावित कर देते हैं, नालियों में, है ना, नालियों के माध्यम से वो कहाँ चले जाते हैं, नदी नालों और समुद्र में मिला दिया जाता है, जिससे वहाँ के जल जो है प्रदूषित हो जाते हैं। कृषि, तीसरा जो है कृषि कार्य करने में भी क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। तो जल के उपयोग में कृषि कार्य में जो कीटनाशक या कवकनाशक मिलाए रहते हैं खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्या करते हैं उसमें कीटनाशक कवकनाशक मिलाते रहते हैं, वर्षा के जल के साथ वो घुल करके कहाँ जाते हैं, नदी नालों में, है ना, वहाँ पर नदी नालों में जाने के से वहाँ पर जो जलीय जीव जंतु होते हैं उन पर वो जो है प्रभाव दर्शाते हैं, प्रतिकूल प्रभाव दर्शाते हैं, जिससे वो की जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। तो चौथा खनिज तेल, इस प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं उससे महासागरीय जल जो है ज़्यादा प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जल वन के द्वारा क्या करते हैं, वाहित जल टैंकरों के द्वारा खनिज तेल को परिवहन किया जाता है। यदि किसी दुर्घटना के कारण वो जो है टैंक जो है विस्फोट हो गया, दुर्घटना होते हैं, वहाँ के तेल जो है पूरे कहाँ फैल जाते हैं, समुद्र के जल में। तो समुद्र के जल में फैलने से क्या, वहाँ पर जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो श्वसन करने में कठिनाई महसूस करते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। पांचवा, जल स्रोतों के निकट मानव के द्वारा अवांछित क्रियाकलाप। हम बहुत से ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जल स्रोतों के निकट जिससे कि वहाँ के बल्कि जल जो है प्रदूषित हो जाते हैं। जैसे जल स्रोतों में नहाना, है ना, नल लग रहा है तो वहीं पर क्या करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। इस प्रकार से मानव क्रियाकलाप के द्वारा भी जल जो है प्रदूषित होते हैं, जिससे वहाँ पर कई संक्रामक जीव उत्पन्न होते हैं और उन संक्रामक जीवों के कारण जो है संक्रामक बीमारियां होती हैं, ठीक, जिससे इस प्रकार से जल प्रदूषण के कारण। अब इसके निवारण या रोकथाम, या इसको कह सकते हैं हम रोकथाम और नियंत्रण में जल को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, घरेलू अपमार्जक एवं वाहित मल का या वाहित जल का उचित उपचारित करके नदी नालों में प्रवाहित करना। दूसरा, उद्योगों में जल शुद्धि संयंत्र को लगाना, जिससे जो शीतलक के रूप में हम जल प्रयोग कर रहे हैं वो पुनः शुद्ध करके उसको या उपचारित करके उसको नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। तीसरा, हानिकारक जो कीटनाशक या कवकनाशक
प्रयोग को कम करना। पांचवा, जल शोधन संयंत्रों में कम से कम रसायनों का उपयोग करने से जल जो है प्रदूषित होने से बच जाते हैं। परमाणु कचड़े को, परमाणु जो बनाते हैं, परमाणु स्फोट करते हैं, तो उनसे जो कचड़े या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कहाँ ले जाते हैं, सीधे नदी नालों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होते हैं। जल स्रोतों में लोगों को स्नान करने से अनुमति नहीं देना चाहिए, ठीक है। जैसे नलों के किनारे हो गया, बोर के किनारे हो गया, तो इनमें नहाने की अनुमति नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही पशुओं को भी नहीं नहलाना चाहिए, बर्तन वगैरह साफ नहीं करना चाहिए, तो इससे जो है जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, ठीक। तो इसके रोकथाम एवं नियंत्रण हो गया। चौथा हम प्रदूषण देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, इसके तो पहले देख लेते हैं ध्वनि प्रदूषण क्या है। अवांछित तीव्र ध्वनि या आवाज को हम शोर कहते हैं। शोर जानते हैं, बहुत अधिक चिल्लाना, बहुत अधिक किसी वस्तु से आवाज निकलना, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो या मानव कारण। प्राकृतिक कारण में जैसा हम समझते हैं बादलों का गरजना, बिजली की कड़कड़ाहट, है ना, तूफानी हवाएं चलने, झरनों का जोर जोर से आवाज आना, तो ये प्राकृतिक कारण है। तो इनसे भी क्या होता है, शोर उत्पन्न होता है। तो अवांछित आवाज या तीव्र ध्वनि को हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। तो जब किसी वस्तु से उत्पन्न ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगती है, अरुचिकर लगती है, तो वह ध्वनि क्या कहलाता है, शोर कहलाता है, ठीक है। यह ध्वनि इस प्रकार अवांछित आवाज या ध्वनि जो मानव के कानों को अप्रिय लगे या उसके कानों को कष्ट पहुंचाए, यही क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो वातावरण में चारों ओर फैली अवांछनीय आवाज को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक। वातावरण में चारों ओर फैली अवांछनीय, अवांछनीय मतलब जो हमारे कानों को प्रिय न लगे, ठीक है, कष्ट पहुंचाए, तो ऐसे आवाज को हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो यह अवांछनीय ध्वनि आज हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुका है। कैसे हिस्सा बन चुका है, जैसे हम उत्सव वगैरह में क्या करते हैं, टेप रिकॉर्डर का उपयोग करते हैं, नगाड़ों का उपयोग करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से बॉक्स वगैरह का उपयोग करते हैं, उससे तेज ध्वनि आती है, ये हमारे समाज का एक हिस्सा बन गई है। तो ध्वनि तरंगों के रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है, किसके रूप में पहुंचती है, तरंगों के रूप में, ठीक है, जिसको हम सुनते हैं। तो इसके लिए माध्यम क्या हो सकता है, ध्वनि को पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, और माध्यम जो है ठोस, द्रव और गैस, तीनों हो सकती है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापी जाती है, तो सामान्य बातचीत करने से 60 सामान्य बातचीत की ध्वनि जो है 60 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत जो हम करते हैं, है ना, उसकी ध्वनि 60 डेसिबल होती है। 100 डेसिबल से अधिक ध्वनि या 100 डेसिबल से ध्वनि जो हमारे रुधिर गाड़ों को या रक्त वाहिनियों को सिकोड़ती है, जिससे क्या होगा, श्वसन प्रक्रिया जो है प्रभावित होती है, ठीक है। इससे अधिक, 60 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाएगी, हमारे कानों को अप्रिय लगेगी। इससे रक्त वाहिनी छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और हमारे जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये हो गया ध्वनि के बाद, अब इसका कारण, ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण है। तो प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण में जैसे बिजली की कड़कड़ाहट, बादलों का गरजना और तूफानी हवाएं चलना, झरनों की आवाज़, कुछ वन्य जीव ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक आवाज़ करते दहाड़ते हैं सिर, है ना, वो भी क्या कहलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण।
तो ये जो प्रदूषण होते हैं वो बहुत कम समय के लिए होते हैं, क्षणिक होते हैं, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट एक बार आई क्षणिक होता है, लेकिन वो जो है कानों को अप्रिय लगता है और इसका प्रभाव भी क्षणिक होता है, मतलब बहुत अधिक देर तक प्रभावित नहीं करता वातावरण को। ठीक है, ये प्राकृतिकरण। परिवहन के साधन, आधुनिक युग में बहुत सारे परिवहन का हम उपयोग करते हैं, जैसे बस, ट्रक, वायुयान, ट्रैक्टर इत्यादि, इनसे निकलने वाली ध्वनि। सुरक्षा उपकरण के रूप में, जैसे बंदूक सुरक्षा उपकरण, बम या मशीन गनों का प्रक्षेपात करना, इनसे बहुत ज़्यादा ध्वनि निकलती है और दूर तक सुनाई देती है, जिससे वातावरण जो है प्रभावित होता है। खनन कार्य करते समय विस्फोटक से होने वाली ध्वनि, या चट्टानों के अचानक खिसक जाने से वहाँ पर जो कामगार होते हैं या काम करने वाले होते हैं वो जो है प्रभावित होते हैं। आकस्मिक दुर्घटना, जैसे घरों में सिलेंडर का फट जाना, है ना, सिलेंडर के फट जाने से भी बहुत तेज आवाज आते हैं, उसी प्रकार से बस, ट्रक, टायर के अचानक फटने से भी क्या होता है, आवाज़ें उत्पन्न होती हैं। फटाकों में आग लगने से भी क्या हो जाते हैं, आवाज़ उत्पन्न, या फटाकों को फूटना भी क्या होता है, अप्रिय लगता है ना, तो ये ध्वनि प्रदूषण के कारण है। छठवां, मनोरंजन के साधन, जो हम अपने लिए आज के युग में मनोरंजन के साधन, क्या क्या है मनोरंजन के साधन, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल या पॉप संगीत इत्यादि जो होते हैं, जिनसे बहुत अधिक ध्वनि निकलते हैं। एक निश्चित मात्रा में सुनना कानों को प्रिय लगता है, लेकिन अधिक आवाज़ में सुनना वो क्या कहलाता है, अप्रिय हो जाता है, शोर हो जाता है या उससे प्रदूषण फैलता है। ठीक, तो ये ध्वनि प्रदूषण के कारण। अगला, रोकथाम एवं नियंत्रण। ध्वनि प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जा सकता है या क्या क्या उपाय किया जा सकता है, तो पहला, इसमें ध्वनि विस्तारक जो यंत्र होते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर है, पॉप संगीत है, नगाड़ा है इत्यादि को प्रतिबंध लगाना, कारखानों को आबादी से दूर स्थापित कर, कारखानों से भी निकलने वाली आवाज़ जो है बहुत अधिक तेज हो जाती है, तो उनको आबादी से दूर स्थापित करना, सड़क के किनारे पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण करना है, कारखानों तथा उद्योगों में शोर अवशोषक दीवार का प्रयोग करना या शोर अवशोषक दीवार लगवाना, जिससे आवाज़ को अवशोषित कर सके, है ना, तो वातावरण को प्रभावित ना करें। ऐसे उपकरणों का प्रयोग करना जो कम से कम ध्वनि उत्पन्न करें, तो ये जो है प्रदूषण को कम करते हैं। वाहनों में लगे जो हॉर्न होते हैं, वो कुछ हॉर्नों में बहुत ही ज़्यादा ध्वनि होते हैं, तो वाहनों में लगे हॉर्नों को आवश्यकतानुसार ही उपयोग में लाना। हवाई अड्डों, रेडियो, रॉकेटों तथा यानों के शोर को नियंत्रित करना, तो ये हमारा क्या हो गया, रोकथाम एवं नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण का। तो आज हमने पढ़ा पर्यावरण क्या है, प्रदूषण क्या है और प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, उनके कारण क्या है और नियंत्रण के उपाय क्या हैं। तो ये चार जो प्रदूषण थे उसके बारे में हुआ। इस प्रकार से इन पर नियंत्रण करके हम अपने पर्यावरण को शुद्ध, स्वच्छ व प्रदूषण रहित बना सकते हैं। धन्यवाद।